हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज दो लेटेस्ट अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक आ चुका है एयरपोर्ट की तरफ से और एक आ चुका है बैंक की तरफ से। दोनों में आप में से हर कोई एलिजिबल रहने वाला है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। दोनों अपडेट की कॉमन बात यह है कि कोई फ़ी आपको पे नहीं करनी है, ना ही इसमें आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है। फिर सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाली है, दोनों का वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट आपने ज़रूर देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन या अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक की तरफ से जो अपडेट आया उसके बारे में, देन हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट की तरफ से जो अपडेट आया है उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। सबसे पहले हम HDFC के अपडेट की बात कर रहे हैं, जिसमें आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए अलग अपडेट है और एक्सपीरियंस के लिए अलग है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, अप्लाई आपको ज़रूर करना है इन वैकेंसीज के लिए, क्योंकि फ़ी कोई पे नहीं करनी है, ना कोई आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर सैलरी की इसमें बात करें, आपकी इसमें स्टार्टिंग 18,000 मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स इसमें रहने वाली है। किसी पोस्ट के लिए आपकी 40K अराउंड हो सकती है, किसी पोस्ट के लिए 48K अराउंड भी हो सकते हैं, वो पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है। सो इसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। किस तरीके से अप्लाई करना है, किस स्टेप को फॉलो करते हुए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है जो इसमें आउट की गई है। वैकेंसीज की अगर बात करें, सबसे पहले जो इसमें पोस्ट आउट की गई है वो रिलेशनशिप मैनेजर RRB के लिए हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स के लिए हैं। उसके बाद पर्सनल बैंकर की वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव की हैं, रिस्क मैनेजर की है, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। देन अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, RM सर्विसेज के लिए हैं, सेल्स मैनेजर की है, कस्टमर सर्विसेज के लिए वैकेंसीज हैं, और ट्रेड सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज है। सेल्स मैनेजर फाइनेंस के लिए है, रिकवरी के लिए अलग वैकेंसीज हैं, फॉरेक्स के लिए अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसीज हैं, एरिया कलेक्शन मैनेजर की है, आउटरीच मैनेजर की वैकेंसीज है, ब्रांच सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज है, जो उसमें आउट की गई हैं। सो इसमें कोई क्वालिफिकेशन का बैरियर नहीं है, मतलब हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वैकेंसीज आउट की गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 10,000 प्लस वैकेंसीज है जो उसमें आउट की गई हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है अप्लाई किस तरीके से करना है, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे SBPO या अदर एग्ज़ाम को, तो अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसके लिए आपको ज़रूर से एनरोल कर लेना है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाता है, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तानिया TANYA। लिंक सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में भी अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। और अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव आपको इसके लिए रेजोल्यूशन मिलेगा, चेक करके एनरोल ज़रूर से कर लेना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जॉब अपडेट के बारे में, जिसमें अभी हम पहला जॉब अपडेट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि HDFC बैंक का आया हुआ है। बात कर रहे हैं अप्लाई कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करेंगे लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट लिंक मिलेंगे, पहले लिंक पर आप क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा। जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। मान लो आप फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे। अपने आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपका रहेगा, लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, अपनी डिटेल्स फिल करके, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, लास्ट में आपको अपना लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड करके सिंपली सबमिट कर देना है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की बाउंडेशन नहीं है, मिनिमम आपकी 18 है, मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स रहने वाली है। किसी पोस्ट के लिए 48 एज लिमिट हो सकती है, किसी के लिए 50 तक भी हो सकती है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए अप्लाई करना है।
नेक्स्ट हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपको अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, आपके इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगी, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। तो ये तो है फर्स्ट अपडेट। अब बात करते हैं हम सेकंड जॉब अपडेट के बारे में, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुका है। जो एयरपोर्ट का अपडेट आया है, इसके लिए भी कोई फी पे नहीं करनी है, ना कोई एग्ज़ाम आपका होने वाला है। आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली मेरिट लगेगी, उसी के बेसिस पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। सो इसके लिए भी सेम स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई कर लेना है। ये जो वैकेंसीज आउट की गई हैं NAPS के अंडर आउट की गई है, मीन्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंडर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको NAPS पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है AAI, और वहाँ पर आप रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज है जो इसके लिए आउट की गई हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप है, इसमें अगर सैलरी की बात करें आपकी 9,000 तक इन हैंड रहने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। बाकी इन्होंने वेन्यू भी मेंशन किया हुआ है, अगर आपको वॉक इन बुलाया जाएगा कोई भी अगले नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए, तो आप देख लेना, अगर एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10th और ITI वाले। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई ज़रूर से आपको करना है। बाकी यहीं पे वीडियोस ख़त्म हो जाती है, और भी नए अपडेट आए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियोस आ रही है उसी से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम चैनल पर आई हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।